हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू। आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ब्यूटिफुल से न्यूली लॉन्च लहंगे का रिव्यू। दिस इज़ द लहंगा एंड दिस इज़ बाई ज़टकी। तो अगर आप मेरे फॉलोवर हो तो आपको पता होगा कि मुझे ज़टकी से शॉपिंग करना बहुत पसंद है। और या फिर अगर फॉलोवर नहीं भी हो, मेरे वीडियोस देखते हो, एंजॉय करते हो, तो आपको मालूम होगा कि जब भी ज़टकी पे कोई न्यू लॉन्च होता है लहंगे का स्पेशली, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले उसका रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आऊँ। मुझे पसंद है कि सबसे पहले मैं कोई चीज़ रिव्यू करूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो यस, ये वाला लहंगा भी ज़टकी ने न्यू लॉन्च किया है, तो मैंने फटाफट से जिस दिन मैंने देखा उस दिन मैंने इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया और आज मुझे फाइनली रिसीव हो गया आफ्टर 5 डेज। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा टू स्टे नोटिफाइड विद माय न्यू वीडियोस। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है cosmoholic_साक्षी। वहाँ पे भी मैं अपने लेटेस्ट वीडियोज़ से रिलेटेड अपडेट्स पोस्ट करती हूँ और शॉर्ट मेकअप वीडियोज़, DIYs, रील्स, बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। तो ये लहंगा एकदम न्यू लॉन्च वाला सेक्शन में था। एंड गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। बहुत से लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हैं कि स्पेशली ज़टकी के जो रिव्यूज़ होते हैं उस पर कि आपका पेड प्रमोशन है, आपको पैसे मिले हैं, आपका स्पॉन्सर वीडियो है, आप फालतू में तारीफ़ कर रहे हो। तो मैं बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ज़टकी के जितने भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं 5-7, वो सब मैंने अपने खुद के पैसे खर्च करके वो उन प्रोडक्ट्स को लिया है और रिव्यू किया है, ठीक है। ज़टकी से मेरा कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है या उनकी PR लिस्ट में मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक नॉर्मल कस्टमर हूँ, उनके लिए प्रोडक्ट्स को परचेज करती हूँ और आपके लिए रिव्यू करती हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत से लोग नीचे वीडियो में आके कॉमेंट करते हो कि आप फेक रिव्यूज़ देते हो या आपको जो पीस मिला है आप झूठी तारीफ़ करो। हमें तो ऐसा नहीं मिला। आपको, आप यूट्यूबर हो, आपको अच्छा पीस मिल गया, हम कस्टमर्स हैं तो हमें ख़राब पीस मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ज़टकी की PR लिस्ट में नहीं हूँ, मैंने उनके साथ कोलैबोरेट नहीं किया है, मैं खुद के पैसे खर्च करती हूँ, प्रोडक्ट को लेती हूँ और फिर रिव्यू करती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज़ मुझे पसंद आ रही है, मैं उसका रिव्यू कर रही हूँ, वो चीज़ आपको ना पसंद आए। ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगे वो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो या जो आपको अच्छी लगे वो मुझे अच्छी लगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इट्स टोटली बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोलती हूँ हाँ अच्छा है, नहीं अच्छा लगता तो साफ बोलती हूँ नहीं अच्छा है। बस यही बात है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर नीचे कॉमेंट बॉक्स में इस तरह के कॉमेंट्स आते हैं तो इट रियली हर्ट्स कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना एफर्ट डालती हूँ और कोशिश करती हूँ सबसे पहले रिव्यू करूँ, ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, पेड नहीं है, पैसे खर्च करती हूँ। हर एक लहंगा 3,000-4,000 का आता है, मतलब उससे कम नहीं आता है। तो सोचो, पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, शूट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, सब कुछ करके आपके लिए पोस्ट करती हूँ, उसके बाद आप इस तरह से कॉमेंट्स करते हो तो थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। तो ये इनका पिस्ता ग्रीन कलर का लहंगा है जो कि इन्होंने न्यू लॉन्च किया है और ये रफल लहंगा है। इससे पहले मैंने कभी भी कोई रफल लहंगा नहीं ट्राई किया ज़टकी से, तो मुझे इसका कलर एक तो बहुत अच्छा लग रहा था और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ना, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ये वाला तो ट्राई करना ही करना है। तो एक क्लोजअप लुक आपको दे देती हूँ। ये कुछ इस तरह का इसका लहंगा है और थ्रेड वर्क का काम है, नेट का लहंगा है, बटरफ्लाई नेट का कपड़ा है। बटरफ्लाई नेट मतलब एक नेट होता है ना जो एकदम सॉफ्ट होता है कॉटन की तरह, मतलब ऐसे हाथ में लो और वो मुड़ जाता है, वो है बटरफ्लाई नेट। और एक दूसरा नेट आता है जो आप हाथ में लो वापस से फिर खुल जाता है, वो सिकुड़ता नहीं है, तो वो हार्श नेट होता है। तो काफ़ी सॉफ्ट वाला नेट है। इसमें थ्रेड का और सीक्वेंस का काम हो रखा है पूरे लहंगे में। अभी आपको ट्राई ऑन भी दिखाऊंगी, बट यस दिस इज़ द लहंगा। ये इसकी बेल्ट है लहंगे की, एक क्लोजअप लुक दे रही हूँ। ये इसकी बेल्ट है और नीचे ये कली पड़ी हुई है, इस पर 5 या 6 कली है, चौड़ी चौड़ी है कली, चौड़ी चौड़ी 5 या 6 कली पड़ी है।
और अंदर इस तरह का कुछ ऊपर से थ्रेड और सीक्वेंस का काम है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पीच ऑरेंज एंड पिंक कलर का इसमें थ्रेड वर्क किया गया है विद सिल्वर कलर के सीक्वेंस एंड बहुत सफाई से काम किया गया है। सेमी स्टिच लहंगा है, एक साइड से आपको स्टिचिंग करानी है और आपका स्कर्ट रेडी है। अच्छा, इस लहंगे की मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, ये बेल्ट जो है ना जहाँ पे आप वो डालते हो, नारा डालते हो, वहाँ पे आपको इस तरह का स्पेस बना के दिया है डालने के लिए, तो आपको अलग से स्टिचिंग नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक है, इसके पहले जितने भी लहंगे मैंने रिव्यू किए उसमें इस तरह का कुछ अंदर नारा डालने के लिए था नहीं, बट इसमें है तो मुझे अच्छा लगा। ऊपर से तो पूरा फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, पूरे में काम है धागे का एंड सीक्वेंस का, और नीचे एक बहुत चौड़ी सी, मतलब खूब चौड़ी सी लेयर है जिसमें सिर्फ सीक्वेंस का काम हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ क्लोजअप में। ये इस तरह से ऊपर धागों का काम है, आई होप इट्स क्लियरली विजिबल। और जैसे ही आप नीचे बढ़ोगे ना तो नीचे इस तरह का एक ब्रॉड बेल्ट टाइप का है नेट का, जिसमें सिर्फ सिल्वर कलर के सीक्वेंस का वर्क है और उसके नीचे इस तरह का रफल दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी प्रिटी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। ये तो अच्छा लगा मुझे। अंदर इसमें कपड़ा दिया हुआ है लाइनिंग का, और ये साटन का कपड़ा है, लाइनिंग का कपड़ा जो दिया है अंदर, ये साटन का कपड़ा है और काफ़ी थिक क्वालिटी का कपड़ा है। अच्छा, मुझे इसमें डाउट था ना कि क्योंकि नीचे रफल दिया हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कैन कैन नहीं लगा होगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, मतलब पूरा फ्लोर पे फिर वो ऐसे अजीब सा लगेगा देखने में, बट इसमें कैन कैन और कैनवस दोनों दिया है गाइज, क्योंकि कैन कैन के बिना लहंगे का जो शेप है ना वो अच्छा नहीं लगता है, तो इन्होंने पूरा ख्याल रखा है कि रफल लहंगा है देन टू इसमें कैन कैन लगा है, ऊपर से लहंगे का शेप अच्छा आ जाए, उसका जो पूरा फॉल है वो अच्छा आ जाए। तो अंदर भी इन्होंने ये कैनवस दिया है, आप देख रहे हो कितना ब्रॉड कैनवस है, कैनवस दिया है और इसके साथ कैन कैन भी दिया है, ये वाला कैन कैन है। ऑल्दो मुझे ये इतना पसंद नहीं है ये वाला, बट इस बार इन्होंने क्वालिटी इम्प्रूव की है, जो प्रीवियस मैंने दिखाया था एकदम हल्का सा था, मुड़ जा रहा था, ये वाला थोड़ा सा उससे और ज़्यादा थिक है, तो अच्छा है। और कैन कैन में मैचिंग मैचिंग उन्होंने लाइनिंग भी लगा रखी है, तो ये कैन कैन है और अंदर इसमें फिर एक और लाइनिंग का कपड़ा है। तीन लेयर का लहंगा है, ऊपर आपका नेट है, नीचे लाइनिंग है, फिर उसके नीचे कैन कैन है। तो ये था इसका बॉटम स्कर्ट। अब आपको दिखा देती हूँ इसका ब्लाउज। इसका ब्लाउज़ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब ये क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप खुद ही देख लो कितना प्यारा लग रहा है। ये है इसका ब्लाउज़, जस्ट लुक एट दिस गाइस, मतलब इस पे लाइट पड़ेगी तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। और कलर में बहुत अनयूजुअल कलर है, और इसका जो ब्लाउज़ का कपड़ा है ना ये भी बटरफ्लाई नेट है, बट इसमें नेट में ना छोटे छोटे से शिमर्स हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, जब आप ऐसे से करके देखो ना, आई डोंट नो कैमरा से लेगा या नहीं, बट इसमें ना जब लाइट पड़ रही है तो ग्रीन के साथ ना एक सिल्वर का रिफ्लेक्शन आ रहा है कपड़े में। तो ये ब्लाउज़ का कपड़ा है, नेट का है, और लेंथ इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी दे रखी है, मतलब अप टू 44, 46 या 48 बस साइज़ भी आप पहन सकते हो। मैं एक बार कंफर्म करके आपको स्क्रीन पर डाल दूंगी, जहाँ जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो उसमें लिखा था अप टू 46, बट मुझे लग रहा है कि अप टू 48 बस साइज वाले भी इसे पहन सकते हैं, जो भी होगा मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी एक बार कंफर्म करके। इसके साथ आपको ये लाइनिंग मिल जाती है, ये लाइनिंग का जो कपड़ा है ना ये आपका कॉटन तो नहीं है, आई थिंक ये बैंगलोरी सिल्क का कपड़ा है, और इसमें जो है ना एक अलग सी शाइन है, जब इसमें लाइट पड़ रही है ना तो जो बेस है वो तो ब्लू कलर का है, पिस्ता ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का नहीं है, बट उसमें ना एक अलग सा सिल्वर कलर का शाइन आ रहा है, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें आप हाफ हाफ में बनवाओ, हाफ नेट और बस्ट पे आपका ये लाइनिंग, तो उस तरह का इसका ब्लाउज़ बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड इसका जो वर्क किया है तो उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब बीच बीच में कितना ब्राइट एंड बोल्ड सा लग रहा है। और इसको पहनोगे ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, दिन की पार्टी में तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये वाला जो कलर है ना, पिस्ता ग्रीन या जो पेस्टल ब्लू या एकदम बेबी पिंक लाइट वाला पीच कलर, ये सब लहंगे आजकल, ये सब कलर्स आजकल एक्चुअली ट्रेंड में हैं एंड बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं इस तरह के कलर्स। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ इसमें का एक। एंड इसका जो दुपट्टा है वो प्लेन है, बट चारों तरफ इस तरह का इसमें बॉर्डर लगा हुआ है सीक्वेंस का, ये सीक्वेंस का बॉर्डर है, ठीक है, सीक्वेंस लगा है पूरे में। ऑफ कोर्स लहंगा बहुत हैवी है, ब्लाउज बहुत हैवी है, तो अगर इन दुपट्टे भी इन्होंने हैवी कर दिए होते तो वो मज़ा नहीं देता। तो दुपट्टा बहुत सिंपल सोबर रखा है तो काफ़ी एलिगेंट लगेगा पहनने पे। इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। तो दुपट्टे की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर की है और लेंथ काफ़ी अच्छी खासी है। आप इसको साइड से ले सकते हो, आप इसे बैक से ले सकते हो रैप करके, या फिर आप इसे साड़ी के पल्लू की जैसे भी ले सकते हो, जो भी आपका चॉइस हो आप उस तरह से ले सकते हो इसको, ठीक है। अभी वापस से स्कर्ट की बात करूँ ना, तो स्कर्ट का जो लेंथ है वो 42 इंचेस है। तो आप अगर 5'5" से ऊपर भी है आपकी हाइट, मतलब 5'5" से ऊपर है तो भी आप इसे पहन सकते हो, 5'5" हाइट वाले इसे आराम से पहन सकते हैं। बट अगर 5 से कम है आपकी हाइट तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि देन आपको ऑल्टर करवाना पड़ेगा तो इसका पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। और इसका जो वेस्ट है ना लहंगे का, ये कस्टमाइजेबल है अप टू 46 इंचेस। तो अगर आपकी वेस्ट है अप टू 46 इंचेस तो आप इसे कस्टमाइज़ करा के पहन सकते हो, उससे कम है तो भी पहन सकते हो, ज़्यादा कम है 10-2 पहन सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा गैदर होगा, बट इट्स ओके, अच्छा लगेगा। लहंगे में साइड में थोड़ा बहुत गैदर आ ही जाता है, अगेन वो अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा नहीं वो दिखेगा। तो यस, ये लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा गाइस, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। और डे टाइम के जो फंक्शंस होते हैं ना उसमें पहन सकते हो। मैं बोलूँगी प्रॉपर इंगेजमेंट लहंगा, अगर आपकी इंगेजमेंट होने वाली है और आप सस्ता टिकाऊ अच्छा कुछ लहंगा देख रहे हो तो आप इस वाले लहंगे को ट्राई करो, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड गाइज, दैट्स माई गारंटी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, परफेक्ट प्रॉपर इंगेजमेंट पीस है, और आप इसे ट्राई करो और अपने स्पेशल डे को और स्पेशल बनाओ गाइज, सच में बहुत खूबसूरत लहंगा है। एंड इसमें जो काम हुआ है ना वो रेशम के धागों का हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था रेशम एंड जरी का काम हुआ है और सीक्वेंस का काम हुआ है। तो यस, आप सोचो मार्केट में कहाँ मिलने वाला है इतना रेशम और जरी का काम वाला जो लहंगा है, कहाँ आपको 3,000 के अंदर मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो 2,870 रुपीज़ है, बट अगर आप सेम चीज़ को मार्केट में लेने जाओ तो आपको आराम से 5,000-6,000 रुपये का मिलेगा वो। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आप लेना चाह रहे हो तो आप इसे फ़ौरन ख़रीद लो। इसका जो डायरेक्ट परचेज लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हो। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने अपने पैसे खर्च किए हैं और इसको ऑर्डर किया है, ठीक है। सो यस, दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना गाइज, इतने एफर्ट्स डालती हूँ मैं वीडियो को शूट करने में आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है, एंड आपका एक लाइक रियली मीन्स अ लॉट टू मी। सो यस, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय।